नमस्कार दोस्तों, ड्रुपल 7 इन हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने कवर किया था कि कैसे कॉन्टैक्ट अस हमने पेज बनाया था, कॉन्टैक्ट अस पेज बनाया था इस टाइप का। अभी दोस्तों हम एक दूसरे तरीके से कॉन्टैक्ट अस पेज बनाएंगे। उसके लिए हम एक मॉड्यूल यूज़ करेंगे। वेब फॉर्म ड्रुपल दोस्तों, इसमें कई फीचर्स मिलते हैं जो कि हम अपने कॉन्टैक्ट्स अस के फॉर्म में, कॉन्टैक्ट्स के फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। और जैसे हमें कोई कस्टमाइजेशन कॉन्टैक्ट्स फॉर्म चाहिए तो भी हम इसका यूज़ करेंगे। तो इसको सबसे पहले डाउनलोड करेंगे। दोस्तों, एक बात मैं और को बता दूं कि इसमें डिपेंडेंसी है कि आपको दो और मॉड्यूल इंस्टॉल करने पड़ेंगे, सी टूल्स एंड व्यू। आपको अगर वेब फॉर्म यूज़ करना है तो सी टूल्स एंड व्यू, आप दोनों, इन दोनों मॉड्यूलों को आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो वो मैंने अपनी मशीन में पहले ही डाउनलोड करके एक्सट्रैक्ट करके रख लिया है। कहाँ रखना है इसको हमें? साइट ऑल मॉड्यूल्स के अंदर, वेब फॉर्म हमने पेस्ट कर दिया यहाँ पर, एक्सट्रैक्ट करके व्यू कर दिया और सी टूल्स कर दिया। अब दोस्तों हम इसको इनेबल करेंगे। इनेबल करने के लिए वेब फॉर्म सर्च करेंगे, यह वेब फॉर्म, इसको हम इनेबल करेंगे। सेव कॉन्फ़िगरेशन। देखिए दोस्तों, यू मस्ट इनेबल सी टूल्स एंड व्यू मॉड्यूल्स, ये डिपेंडेंसी है तो ये, इसको भी आपको इनेबल करना पड़ेगा। इसके लिए आप कंटिन्यू कर दीजिए। अब सी टूल्स और व्यू एंड ड्रुपल वेब फॉर्म तीनों मॉड्यूल इनेबल हो गए। अब वेब फॉर्म सर्च करते हैं। ये देखिए वेब फॉर्म इनेबल हो गया, व्यू देखिए व्यू इनेबल हो गया, सी टूल देखिए सी टूल इनेबल हो गया। अब हम अपने कॉन्टैक्ट अस पेज पे चलते हैं। वेब फॉर्म कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ से अगर आप कोई डिफ़ॉल्ट सेटिंग करना चाहते हैं कि फ्रॉम एड्रेस या फॉर्म नेम या सब्जेक्ट क्या जाएगा आपके कॉन्टैक्ट अस जब रिप्लाई जाएगा उसका, या फिर, तो अब हम कॉन्टैक्ट अस फॉर्म ऐड करते हैं। ऐड कंटेंट, वेब फॉर्म क्रिएट करते हैं, न्यू वेब फॉर्म। उसके लिए न्यू कॉन्टैक्ट अस पेज क्रिएट करते हैं। इसको दोस्तों मेनू प्रोवाइड करा देते हैं क्योंकि कॉन्टैक्ट अस है, एक हम कॉन्टैक्ट अस बना चुके हैं इसीलिए हम न्यू कॉन्टैक्ट अस बना रहे हैं। वेट लास्ट में रखते हैं इसको। सेव। दोस्तों यहाँ पर इस पेज पे हमें वो फील्ड्स ऐड करनी है जो कि हम अपने कॉन्टैक्ट अस के फॉर्म में यूज़ करना चाहते हैं, जैसे कि एग्जांपल के लिए ये योर नेम, ईमेल एड्रेस, सब्जेक्ट मैसेज। तो हम एग्जांपल के लिए यही फॉर्म यूज़ कर लेते हैं, बाकी आप इसमें जो चाहे फील्ड यूज़ करें, जो आपको इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है। नेम है तो टेक्स्ट फील्ड ले लेते हैं, ऐड करते हैं। मशीन नेम हो गया, फील्ड नेम इसका। वैलिडेशन अगर आपको लगाना है कि आपका नेम, तो यहाँ पर रिक्वायर्ड पे क्लिक कर दीजिए। अगर यूनिक नेम चाहिए तो आप इसको भी क्लिक कर दीजिए। प्लेस होल्डर में अगर आपको चाहिए तो आप इंटर योर नेम कर सकते हैं। लेबल दोस्तों, ये लेबल डिस्प्ले, ये चीज़ है कि अगर हम इसको एबव कर देंगे तो लेबल ऊपर आएगा और ये टेक्स्ट फील्ड नीचे आएगी। अगर हम इसको इनलाइन कर देंगे तो ये ठीक इसके सामने आएगा, योर नेम टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पर। और इसके अगर नन कर देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। हम इसको एबव करते हैं,
सेव करते हैं, एक हो गया, एक फील्ड ऐड हो गई। ईमेल ऐड कर देते हैं, ईमेल के लिए हमें ईमेल यूज़ करना पड़ेगा। अगर रिक्वायर्ड करनी है तो यहीं चेकबॉक्स पे क्लिक कर देंगे, ऐड कर देंगे। प्लेस होल्डर में अगर यूज़ करना है तो यूज़ कर सकते हैं, सेव कर देते हैं। सब्जेक्ट ले लेते हैं, टेक्स्ट फील्ड ले लेते हैं, सब्जेक्ट टेक्स्ट फील्ड हो जाएगा। सेव पे क्लिक कर देते हैं। मैसेज ले लेते हैं, दोस्तों मैसेज हमारा टेक्स्ट फील्ड नहीं रहेगा, टेक्स्ट एरिया रहेगा, क्योंकि मैसेज बड़ा हो जाए, बड़ा होता है, कुछ भी उस टेक्स्ट एरिया ले लेंगे। सेव कर देंगे। रिसाइजेबल है, यूज़र रिसाइज कर सकता है इसको जितना उसको उसके स्पेस चाहिए। दोस्तों फॉर्म सेटिंग पे सबमिशन के बाद जो हमें कंफर्मेशन मैसेज देना है वो हम यहाँ पर सेटिंग में दे सकते हैं। ये वेब फॉर्म के फीचर्स हैं। जैसे कॉन्टैक्ट के बाद हमें कोई मैसेज दिखाना है, जो भी आपको मैसेज दिखाना है वो आप दिखा सकते हो। आपको अगर किसी नए पेज पे जो आपने बनाया है अगर आपको उस पर रीडायरेक्ट कराना है तो आप यहाँ पर कस्टम यूआरएल सेलेक्ट करके आपका जो पेज है उस पर आप रीडायरेक्ट करा सकते हैं। हम यही रखते हैं कंफर्मेशन पेज पे। यहाँ से आप सबमिशन लिमिट सेट कर सकते हैं, पर यूज़र सबमिशन लिमिट सेट कर सकते हैं। हम बाय डिफ़ॉल्ट रखते हैं और सेव कर देते हैं। दोस्तों ये जो फॉर्म आया, ये फॉर्म हमने वेब फॉर्म के थ्रू क्रिएट किया। यहाँ पर देखिए, योर नेम, योर ईमेल एड्रेस, प्लेस होल्डर भी आ रहा है, काम कर रहा है, चेक कर लेते हैं। देखिए ये वो मैसेज आ रहा है जो हमने सबमिशन के बाद जो दिया था, थैंक्स फॉर कनेक्टिंग अस। दोस्तों ये था हमारा वेब कॉन्टेक्ट अस पेज यूजिंग वेब फॉर्म। इसमें आपको और भी अगर फील्ड कुछ ऐड करनी है तो वो ऐड कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।